अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आप समझे मोटा मोटी क्या था? क्योंकि इनिशियल एक्सपोजर की वजह से मेमोरी हमारे अंदर उसका तैयार हो गया और एडेप्टिव रेस्पॉन्स के थ्रू वो वाइप क्विकली वाइप हो जा रहे थे, बट अब जो है हमारा इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, एडेप्टिव इम्यूनिटी हैज गॉन, नाउ दिस विल बिकम लीथल फॉर, हाउएवर अब ये छोड़ेगा नहीं, हाउएवर इंडिविजुअल्स विद प्राइमरी और सेकेंडरी डिफिशियंसिज इन इम्यून फंक्शन बिकम हाईली ससेप्टेबल टू डिजीज कॉज्ड बाय दीज यूबिक्यूटस माइक्रोब्स, फॉर एग्जाम्पल द फंगस कैंडिडा एल्बिकन्स। ये फंगस जो है नॉर्मली आपके मतलब म्यूकोसल लाइनिंग पर हो सकता है, बट म्यूकोसल लाइनिंग पर जो फेगोसाइट्स है उसको आसानी से इसको मार भगाते हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स को, ठीक है। इसको हम स्टार्टिंग में जो फिगर दिखाए थे आपको म्यूकोसल लाइनिंग में, कैंडिडा एल्बिकन्स को किल कर दिया। किसी किसी इंडिविजुअल में इसका फोटो आपको दिखाया है एकदम, देखो ये है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। कैंडिडा एल्बिकन्स है। तो हम आपको बताए थे ना कि क्या बोलते हैं उसको, एंटीबायोटिक एब्यूज, एंटीबायोटिक एब्यूज हुआ तो आपका नॉर्मल फ्लोरा वहां पर से हट गया, तो नॉर्मल फ्लोरा जो है इसको जगह नहीं दे रहा था एंकर करने के लिए म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, ये वहां चिपकेगा पकड़ेगा तब ना म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा, तब इसका फेगोसाइट से सामना होगा। तो पहले ही म्यूकोसल मेम्ब्रेन के लाइनिंग पर ही आपका जो बैक्टीरिया है जिसको टॉलरेट कर लिया गया इम्यून सिस्टम के द्वारा, हेल्पफुल बैक्टीरियाज हैं, दोज हेल्पफुल बैक्टीरियाज आर नॉट लेटिंग दिस कैंडिडा एल्बिकन्स टू अटैच देमसेल्व्स ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पहले एंकर ही नहीं हो पा रहा, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा था बैक्टीरिया। आप एंटीबायोटिक एब्यूज कर दिए अपने साथ, तो हमारा नॉर्मल फ्लोरा जो है वो वहां पर से चला गया, तो अब इसको मौका मिल लग गया। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अभी तक नहीं बना है, आपने अभी तक अपने फ्लोरा को खत्म किया है, आपका इम्यून सिस्टम इज स्टिल, वन सेकेंड थोड़ा सा, हेलो हेलो आवाज आ रही है? यस सर। यस हेलो आवाज आ रही है मेरी? सर। ठीक है, तो ये अलग अलग समझिए, यहां पर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन ये नहीं बन रहा है, आपने एंटीबायोटिक का एब्यूज किया जिसकी वजह से फ्लोरा वहां खत्म हुआ आपका म्यूकोसल लाइनिंग के ऊपर, तब इसको मौका मिला, ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन्स को एंकर होने का। एंकर होने के बाद वो आपके म्यूकोसल लाइनिंग में गया, वहां मैक्रोफाज से लड़ाई करेगा, मैक्रोफाज फेगोसाइट से लड़ाई करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके अंदर मतलब इस इंफेक्शन का सिम्टम डेवलप होगा, ठीक है, रैसेज होते हैं ये सब, और ये सब अटैक करता है म्यूकोसल लाइनिंग जहां भी है उस पर अटैक करता है। लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हैं उसमें ये सेकेंड डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन इट डज, क्या करता है, आपका एडेप्टिव भी गया, तो अब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बन के मौका परस्त जो है काउजेस
फॉर एग्जाम्पल फंगस कैन प्रेजेंटली नियर बाय एवरीवेयर एंड ए नॉन इशू फॉर मोस्ट इंडिविजुअल, सब जगह होता है एनवायरमेंट में और आपके लिए हेल्दी इंडिविजुअल के लिए कोई इशू नहीं है, बट कैन काउज एन इरिटेटिंग रैश एंड स्प्रेडिंग इन्फेक्शन इन द म्यूकोसल सर्फेस ऑफ द माउथ एंड वजाइना इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम इम्यून डेफिशियंसी. द रिजल्टिंग रैश कॉल्ड थ्रस कैन समटाइम्स बी फर्स्ट साइन ऑफ द इम्यून डिसफंक्शन. इफ लेफ्ट अनचेक्ड कैंडिडा एल्बिकन्स कैन स्प्रेड काउजिंग सिस्टेमिक कैंडिडेस कैंडिडिएसिस. देखिए सिस्टेमिक कैंडिडिएसिस हो रखा है इसको माउथ में. ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सच इन्फेक्शन by ubiquitous microorganisms that cause no harm in an immune competent host but which are often observed only in cases of underlying immune deficiency are termed as opportunistic infections. वैसे infection जो कि normal में case में harm नहीं पहुंचा रहे थे in किस में कैसे host में in an immuno इम्यून कॉम्पिटेंट होस्ट, ऐसा होस्ट जिसमें इम्यून सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है, कॉम्पिटेंट है, उसमें हार्म नहीं पहुंचा रहा है ये इन्फेक्शन, बट विच आर ऑफन ऑब्जर्व ओनली इन केसेज ऑफ अंडरलाइंग इम्यून डिफिशियंसी. लेकिन जिसके अंदर इम्यून डिफिशियंसी है उसके अंदर ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे वाले पैथोजन को हम जो काउज करते हैं इन्फेक्शन, हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करते हैं. These type of infections. Several rarely seen opportunistic infections identified in early AIDS. AIDS में काफी opportunistic infection घेरता है patient को. Where the first sign that these patients had seriously compromised immune systems and helped scientists to identify the under. तो इसके द्वारा scientists को बहुत सारा knowledge भी मिला AIDS का patient को देख देख करके opportunistic infection का knowledge आया. Unchecked opportunistic infections are still the main cause of death in AIDS patient. इतना क्लियर है आपको? तीन तरह का कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लिए. ओके, इम्यून सिस्टम का गुड पॉइंट, अगली एंड बैड. ओके, क्या था अगली और बैड में? हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यून, इम्यून डिफिशियंसी. ठीक है ना. गुड पॉइंट क्या था कि हमारी ये रक्षा कर रहा है रिस्पॉन्स बाय फॉरेन पैथोजन से हमारी रक्षा कर रहा है, और हमारी इस रक्षा करने में भी इम्यून सिस्टम में एक्टिवेटर पाथवेज सप्रेसर पाथवेज आर इफेक्टिवली बैलेंस्ड, और बैलेंस गड़बड़ाया तो हाइपर सेंसिटिविटी हो गया. ठीक है, अब क्लिनिशियंस के सामने दो तरह का कंडीशन जो बीमारी होकर ये सब वजह से नहीं, इन्फेक्शन की वजह से नहीं. ओके, अभी तक हम क्या देख रहे थे? सब इन्फेक्शन के संदर्भ में देख रहे थे, है ना, देख रहे थे इन्फेक्शन के संदर्भ में, है कि नहीं. फॉरेन एंटीजन जो एंटर किया, फॉरेन पैथोजन या एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस जो एंटर हुआ उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स हो रहा है. अब कुछ कंडीशन ऐसा है अनवांटेड कंडीशन, फॉरेन नहीं है, हमारे शरीर के अंदर ही वो जनरेट हो रहा है हमारे शरीर बॉडी की वजह से हो रहा है, क्लिनिकल कंडीशन है. ठीक है, जैसे इम्यून रेस्पॉन्स रेंडर्स टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन चैलेंजिंग. ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना खुद से, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, या पढ़ दें, बताओ, समझा दें, इसको एक्सप्लेन कर दें, या अपने से देख पढ़ लोगे, बस इतना है, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा. रुको, जल्दी जल्दी पढ़ ही देते हैं, और जहां नहीं होगा वहां एक्सप्लेन कर देंगे. तो पहला है ट्रांसप्लांटेशन. नॉर्मली व्हेन द इम्यून सिस्टम एनकाउंटर्स फॉरेन सेल्स इट रेस्पॉन्स स्ट्रांगली टू read the host of the presumed invader. However, in the case of transplantation, these cells or tissues from a donor may be the only possible treatment for life-threatening disease. For example, it is estimated that more than 70,000 persons in United States alone would benefit from a kidney transplant.
वहां पर तो हर चीज का काउंट होता है, इसलिए आप ये मत करना सब डेटा यूनाइटेड स्टेट से क्यों दे रहे हैं। इंडिया का डेटा भी है लेकिन वेग डेटा है, इसको कोई यकीन नहीं करता है इंडिया का डेटा पर, समझे। कितना सारा प्राइवेट प्रैक्टिस, ये वो गवर्नमेंट, ये इंस्टीट्यूट अलग अलग, कहाँ सब सिंक्रोनाइज और रिकॉर्ड कोई ढंग से हो नहीं पाता है यहाँ सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में एवरी क्लिनिकल इवेंट इज रिकॉर्डेड। सो इन यूनाइटेड स्टेट्स अलोन वुड बेनिफिट फ्रॉम अ किडनी ट्रांसप्लांट द फैक्ट दैट द इम्यून सिस्टम विल अटैक एंड रिजेक्ट एनी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन दैट इज नॉन सेल्फ और नॉट ए जेनेटिक मैच रेजेज ए फॉर्मिडेबल बैरियर टू द पोटेंशियली लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। ये रिजेक्ट हो जाने से एक चैलेंज आ गया, तो इसको हम लोग presenting a particularly unique challenge to clinicians who treat these patients. While the rejection of this transplant by the recipient's immune system may be seen as a failure. आपको लगेगा कि ये failure है, transplant failure कर गया, आप बोलते हो fail कर गया transplant, doctor कहता है, लेकिन ये actually देखा जाए fail नहीं है, ये आपका इम्यून, उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा से काम किया, ठीक है ना, ये इसका साइन है, ठीक है। रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम मे बी सीन एज फेल्योर बट इन फैक्ट इट इज जस्ट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपरली। अच्छा से काम कर रहा है तभी तो फेल हुआ, ये आप दिख रहा है ऑर्गन रिजेक्ट कर दिया, ये हमारा नहीं है, ले जाओ इसको, ठीक है। नॉर्मल टॉलरेंस प्रोसेस गवर्निंग सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन एंड इम्यून एंगेजमेंट एंड काउज्ड बाय डेंजर सिग्नल्स पार्शियली द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा एंड सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशंस लीड टू द रैपिड इनफ्लक्स ऑफ इम्यून सेल्स एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक्स ऑन द न्यू रेसिडेंट सेल्स। सम ऑफ दिस ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रेस्पॉन्सेस कैन बी सप्रेस्ड यूजिंग इम्यून इनहिबिटरी ड्रग्स but treatment with these drugs also suppresses general immune function leaving the host susceptible to opportunistic infections. to idhar se bhi ja raha hai udhar se bhi ja raha hai. agar transplant kare to rejection hoga, rejection se bachane ke liye immunosuppressive drug diya jayega, tab kya hoga, uska general immune function bhi suppress hoga. जनरल इम्यून फंक्शन सप्रेस होगा, देन होस्ट विल बिकम ससेप्टिबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो क्या किया जाए, बैलेंस बना के चला जाएगा, तो जान तो बचाना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किडनी फेल हो गया है, तो किडनी इज ए वाइटल ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन है, किडनी नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा, तो किडनी ट्रांसप्लांट किया ही जाएगा, तो किडनी ट्रांसप्लांट करेगा, फिर मैच नहीं किया तो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिया जाएगा, यानी इम्यून सिस्टम को फंक्शन को सप्रेस किया जाएगा, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो बाद में आएगा, जान तो पहले बचाओ उसका, फिर जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आएगा तो फिर हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर तरह तरह का एंटीबायोटिक दवाई ववाई हैवी डोज पड़ेगा उसको, हॉस्पिटल में ही बंद रहेगा, आईसीयू में ही भर्ती रहेगा, एसी में फिट रहेगा, बाहर का दुनिया से इंफेक्शन से उसको बचाया जाएगा, तब वो जिंदा रहेगा। ओके, रिसर्च रिलेटेड टू ट्रांसप्लांटेशन स्टडीज हैज प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी। ए नोबेल प्राइज वाज अवार्डेड टू कार्ल लैंडस्टीनर मेंशनड अर्लियर इन हिज कंट्रीब्यूशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोस्पेसिफिसिटी इन 1934 द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप्स। कार्ल लैंडस्टीनर ही जो है 1930 में ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो था उसका डिस्कवरी किया था। ए फाइंडिंग दैट अलाउड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू कैरीड आउट सेफली। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है अच्छा से होने लगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत तरह का ब्लड टाइप है, 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड टाइप्स आर देयर, मतलब सिस्टम्स आर देयर, और उसमें से एबीओ ब्लड टाइपिंग है वन ऑफ द सिस्टम। ये अगर कभी आपके सिलेबस में रहेगा तो मैं बताऊंगा डिटेल में, दिस इज वन ऑफ द सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप टाइपिंग सिर्फ ब्लड ग्रुप जो है ए बी और ओ ही टाइप का होता है, बहुत तरह का टाइपिंग सिस्टम है, क्योंकि ब्लड आरबीसी के ऊपर बहुत डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोटीन्स आर देयर और उसके आधार पर उसका टाइपिंग किया जा सकता है। अब
सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इस क्षेत्र में आगे हुई थी जो कि है, आगे आपके टॉपिक में भी है सिलेबस में, मेजर हिस्टोकॉम्पेटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएससी कहते हैं। एमएससी क्लास वन एंड क्लास टू दो तरह के होते हैं। ये टी सेल आपको हम पढ़ाएंगे, एमएससी क्लास वन क्लास टू, ये रिएक्ट करते हैं टी सेल पर और इम्यून सिस्टम में इनका काफी अहम योगदान है। तो इसकी डिस्कवरी के बाद 1980 में इसको भी नोबेल प्राइज मिला। दीज आर द टिश्यूज एंटीजन्स दैट डिफर मोस्ट बिटवीन नॉन जेनेटिकली एंड आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, इतना जान लो आप, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। एंड आर दस वन ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स ऑफ द इम्यून रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज। फाइनली इन 91 ई डी थॉमस और जे मुर्रे वेयर अवार्डेड नोबेल prizes for treatment advances that paved the way for more clinically successful tissue transplants. Idea तो यही दिया था, MSC का discovery तो किया था ये 1980 में, लेकिन Nobel Prize मिला इस आदमी को, दूसरे को मिला, Thomas and Murray को, क्योंकि उसका उसने clinical use, इस discovery का उसने क्लिनिक ट्रीटमेंट में यूज, इस नॉलेज का ट्रीटमेंट में लगाया, उसने यूज किया, क्योंकि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो रहे थे तो एमएससी को ही उसने किया यूज। डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स दैट वुड अलाउ द फॉरेन ऑर्गन और सेल्स टू बी एक्सेप्टेड विदाउट सप्रेसिंग इम्यूनिटी टू ऑल एंटीजेंस स्टिल रिमेन्स ए मेजर गोल। ओके, द नोबेल प्राइज ऑफ to these two fellows were awarded for treatment advances that paved the way for more clinically successful tissue transplants. Successful clinical tissue transplant करने की वजह से इसने, लेकिन knowledge आया यहां से कि इसकी वजह से हो रहा है। Cancer presents a unique challenge to the immune response. तो second challenge is cancer, बस थोड़ा सा बच गया। कैंसर और मैलिग्नेंसी अकर्स इन होस्ट सेल्स व्हेन दे बिगिन टू डिवाइड आउट ऑफ कंट्रोल। अपना ही सेल आउट ऑफ कंट्रोल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो वो मैलिग्नेंसी बोलते हैं या कैंसर कहते हैं। सिंस दीज सेल्स आर सेल्फ इन ओरिजिन, अपना ही सेल है, सेल्फ टॉलरेंस मैकेनिजम्स कैन इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ एन इम्यून रेस्पॉन्स। तो सेल्फ उसका सिलेक्शन तो पहले हो गया, मतलब सेल्फ रिएक्टिविटी टेस्ट हो चुका है, टॉलरेंस भी डेवलप हो चुका है पहले, तो इसलिए ये जो है इम्यून रिस्पॉन्स को इनविट करके रखता है, होने नहीं देता अगेंस्ट द कैंसर सेल। बाय मेकिंग द डिटेक्शन एंड इरेडिकेशन ऑफ कैंसर सेल्स ए कंटिन्यूअल चैलेंज। दैट सेड इट इज क्लियर दैट मेनी ट्यूमर सेल डू एक्सप्रेस यूनिक और डेवलपमेंटली इन अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स, लेकिन चूंकि कैंसर सेल जो है अनकंट्रोलेबली डिवाइड कर रहे हैं बहुत ही तेजी से, तो ऐसा नहीं है कि इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यूनिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ यूनिक टाइप, स्पेशल टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी कैंसर सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोटीन जो कि अभी अच्छे से बना भी नहीं है, इन अप्रोप्रिएट इन फंक्शन है, इन अप्रोप्रिएट इन स्ट्रक्चर है, दोज प्रोटीन्स आर आल्सो एक्सप्रेस्ड ऑन द कैंसर कैंसरस सेल सरफेस मेकिंग देम। इसकी वजह से क्या हुआ, उस इनप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस्ड प्रोटीन्स जो है उसको हम अपना मार्कर बना लिए, टारगेट बना लिए फॉर इम्यून सेल टू रिकॉग्निशन एंड एलिमिनेशन एज वेल एज टारगेट फॉर थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन। उसके द्वारा उसको पहचाना जाता है कि ये कैंसर सेल है इन अप्रोप्रिएट प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से ऑन द सेल सरफेस। हाउएवर एज विथ मेनी माइक्रोबियल पैथोजेंस द इंक्रीज जेनेटिक इंस्टेबिलिटी ऑफ दीज रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स गिव्स देम एन एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ इवेडिंग इम्यून डिटेक्शन एंड एलिमिनेशन मशीनरी। चूंकि ये बहुत ही कंटिन्यूअसली एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं तो इनके इन अप्रोप्रिएटली जो एक्सप्रेस्ड प्रोटीन है वो एस्केप कर जा रहे हैं, चूंकि इन अप्रोप्रिएट प्रोटीन है, अच्छा से उसका सिंथेसिस नहीं हुआ, स्ट्रक्चर डिफेक्ट है, चूंकि फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, तो अगर वो प्रोटीन फुल्ली फंक्शनल फॉर्म में होता
तो उस प्रोटीन के अगेंस्ट हमारे अंदर टॉलरेंस होता, क्योंकि टॉलरेंस पहले से है, वो प्रोटीन पहले भी लाइफ में एक्सपियर हुआ होगा, अभी लाइफ के इस स्टेज पर अभी कैंसर हुआ है लेटर स्टेज पर, लेकिन जब जवान था वो आदमी पहले था, कैंसर नहीं था, तो वही प्रोटीन बढ़िया से एक्सप्रेस हो रहा था सेल के ऊपर, तब वह प्रोटीन जो है टॉलरेट किया हुआ था, टॉलरेंस था उसके अगेंस्ट, हमारा खुद का प्रोटीन था, इम्यून सिस्टम टॉलरेट किया हुआ था। अब सेम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो गया, अब कैंसर सेल बन गया, कैंसर के ऊपर आ गया, प्रोटीन वही है, जीन उसी जीन से आया, लेकिन ये प्रोटीन जो है इनअप्रोप्रिएट है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से इसके अगेंस्ट स्पेसिफिसिटी हो सकती है हमारे बी सेल और टी सेल रिसेप्टर में, ठीक है, तो इसकी वजह से ये रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। लेकिन यही प्रोटीन फुली फंक्शनल फॉर्म में होता, फुली स्ट्रक्चरल फुली फंक्शनल फॉर्म में होता तो टॉलरेटेड होता, लेकिन डिफेक्टिव प्रोटीन है तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगेगा कि कोई नया प्रोटीन है, ये पहली बार देख रहे हैं इसको हम, तो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। हाउएवर विथ मेनी माइक्रोबियल पैथोजेंस द इंक्रीज जेनेटिक इंस्टेबिलिटी ऑफ दीज रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स गिव्स देम एन एडवांटेज। ओके, तो एक्चुअली इन अप्रोप्रिएटली प्रोटीन जो एक्सप्रेस हो रहा है उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम के सेल्स जो है उसको रिकॉग्नाइज करने में सक्षम है, काफी हद तक करते भी हैं, लेकिन चूक जाते हैं क्योंकि ये काफी रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, कितना को रिकॉग्नाइज करेगा, एक को पकड़ो दूसरा भाग जाएगा, दो से चार बन जाएगा, फिर 6, 8, 16, 20, हर बार दुगना होते जाएगा, तो कुछ को मार दिया कुछ बच गया, कुछ मार दिया बच गया, ठीक है, ज्यादा पैदा हो रहा है कम घट रहा है, तो एक तरह से रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो गए? मेरी आवाज नहीं से आवाज सर, आ नहीं। रही है? समझ में आ रहा है? अरे यस सर, बाप, ओके, एंड इवेडिंग एंड दे और रैपिडली रैपिडली डिवीजन होने की वजह से वो इवेड भी करते हैं इम्यून सिस्टम को रैपिडली और एलिमिनेट कर देते हैं मशीनरी को। वी नाउ नो दैट द इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर इन द बॉडी। द नंबर ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स दैट अराइज इन इंडिविजुअल्स विद कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी हाइलाइट्स द डिग्री टू व्हिच द इम्यून सिस्टम नॉर्मली कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है सक्षम है, वो इंगेज भी रहता है कैंसरस सेल्स को, अगर ये इम्यून सिस्टम नहीं कैंसरस सेल्स को वाइप आउट करे एलिमिनेट करेगा तो आदमी में कैंसर बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, बच्चा में भी कैंसर हो जाएगा। ओके, कैंसर डेवलप हुआ इसका मतलब इम्यून सिस्टम ने डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, पहले भी कर रहा था, ठीक है, कभी छूट गया रह गया मिस्टेक तो वो कैंसर बन गया। अब क्या है कि कैंसर से लड़ने में भी हमारा इम्यून सिस्टम, लेकिन वो चैलेंज है एक तरह से। द नंबर ऑफ मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स आर दैट अराइज इन इंडिविजुअल विद कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी हाइलाइट्स द डिग्री इन टू विच द इम्यून सिस्टम नॉर्मली कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। बोथ इननेट एंड एडेप्टिव एलिमेंट्स हैव बीन शोन टू बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ऑल्दो एडेप्टिव इम्यूनिटी लाइकली प्लेज ए मोर सिग्निफिकेंट रोल। एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है उसका। हाउएवर एसोसिएशंस बिटवीन इन्फ्लामेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर एज वेल एज द डिग्री टू विच द कैंसरस सेल्स इवॉल्व टू बिकम मोर एग्रेसिव एंड इवेजिव अंडर प्रेशर फ्रॉम द इम्यून सिस्टम हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द इम्यून रेस्पॉन्स टू कैंसर कैन हैव बोथ हीलिंग एंड डिजीज इंड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत लंबा लंबा लाइन लिखा है ये, इसीलिए क्यूबी जो है उतना मजा नहीं आता कभी कभी पढ़ने में, लेकिन एक बार समझ जाओ इतना, देखो 4 लाइन का एक लाइन में दिया, यहाँ फुल स्टॉप लगाया, रहने दो इसको आगे बढ़े। एज द मैकेनिक्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रिजॉल्व इन ग्रेटर डिटेल देयर इज होप दैट थेरेपीज कैन बी डिजाइन टू बूस्ट और मैक्सिमाइज एंटी ट्यूमर इफेक्ट्स।
अब इस पर रिसर्च चल रहा है, लोग कर रहे हैं कैसे इम्यून सिस्टम को बाईपास कर रहा है इफेक्टिवली, और हम क्या कर सकते हैं कि बाईपास ना कर पाइए। ओके, तो ये ऑनगोइंग रिसर्च है, कैंसर रिसर्च चल रहा है। आवर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत टाइप का कैंसर है, क्योंकि बहुत टाइप का सेल्स इन्वॉल्व है कैंसर में, माइलोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा। अब इसके अंदर में भी बहुत वैरायटी है। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम हैज क्लियरली कम टू ए वेरी लॉन्ग वे इन ए फेयरली शॉर्ट टाइम। अब ये यहाँ कैंसर खत्म हो गया, अब ये पूरा एक तरह से बात कह रहा है पैरा में, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम हैज क्लियरली कम टू ए वेरी लॉन्ग वे इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। हम कहने का मतलब, हम बहुत कुछ इम्यून सिस्टम के बारे में काफी कुछ जान भी चुके हैं, लेकिन काफी कुछ नहीं भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हम जाने हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, ये काफी कम समय में जाने हैं, फेयरली शॉर्ट टाइम, ठीक है। कहां से हम हिस्ट्री में बताए थे, पाश्चर जो पहला वैक्सीन बनाया, कब बनाया, 1881 में, है ना, 1881 में बनाया ना, फर्स्ट वैक्सीन वाज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, और सेकेंड वैक्सीन रेबीज का, रेबीज ह्यूमन वैक्सीन था। तो उतना समय से लेकर के अभी तक नॉलेज इकट्ठा हुआ, उसके पहले कुछ समझ में नहीं आता था लोगों को, तो इसलिए एक छोटा समय है पूरे अगर टाइम को देखा जाए तो। जूलॉजी का जो और भी नॉलेज जो गैदर हुआ, वो सब और पहले से भी गैदर हुआ है, ये काफी जल्दी इधर रिसेंटली गैदर हुआ। येट मच रिमेन्स टू बी लर्न अबाउट द मैमेलियन इम्यून रेस्पॉन्स एंड द वेज इन विच दिस सिस्टम इंटरैक्ट्स विद अदर बॉडी सिस्टम्स। काफी कुछ जानना बाकी है अभी भी। With this enhanced knowledge, the hope is that we will be better poised to design ways to modulate these immune pathways through intervention. This would allow us to develop more effective prevention and treatment strategies for cancer and other diseases that plague today's society today. Not to mention preparing us to respond quickly to the new diseases or infectious agents that will undoubtedly arise in the future. कहने का मतलब हुआ, और ज्यादा हमको knowledge gain करना पड़ेगा, हर disease का pathophysiology देखना पड़ेगा, हर disease जिसमें disease condition में कैसे pathogen escape कर रहा है, अगर escape strategy हमको पता होगा, चोर के भागने का रास्ता पता होगा, तभी उस रास्ते पर जाके पुलिस को भेजेंगे तो उसको पकड़ सकेगा, किस रास्ते से किस क्या स्ट्रेटजी लगा रहा है, इम्यून सिस्टम को कैसे एस्केप कर रहा है। जैसे हम प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम का एक एस्केप स्ट्रेटजी आपको बताए थे लास्ट टू लास्ट क्लास में, एरिथ्रोसाइट सेल सरफेस पर क्या है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर, उसको यूटिलाइज कर लिया, यस सर, कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 के अगेंस्ट वो अपना एक प्रोटीन एक्सप्रेस कराता है PFEMP1, ठीक है, ये सब बताया है आपको। तो हर वायरस का एक स्ट्रेटजी है, जैसे कोरोना वायरस का भी एक स्ट्रेटजी है, हम उस स्ट्रेटजी को नहीं जानेंगे तो कैसे कोरोना के अगेंस्ट हम इफेक्टिव मेजर ले सकते हैं। जैसे अभी नया स्ट्रेन जो कोरोना का आ गया, डबल म्यूटेंट, ये क्या कर रहा है, इसको अब रिसेप्टर की जरूरत ही नहीं है इसके स्पाइक प्रोटीन में, ये डायरेक्टली एंकर हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ओके, डबल म्यूटेशन की वजह से। अब और इसी वजह से बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। पहला वाला जो कोरोना पहले आया था उसमें इट वाज रिसेप्टर मीडिएटेड एंट्री एंड इनसाइड द एल्वियोलाई, नाउ इट इज नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड एंट्री, ओके, द लाइगेंड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कोरोना पार्ट टू वायरस जो है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सीधे चिपक करके अंदर चला गया, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल बीच में इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिसेप्टर, पहले रिसेप्टर इन्वॉल्व था, तो रिसेप्टर जब इन्वॉल्व था तब तक बच्चे प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि कम एज में जब इन्फेंट स्टेज है, जब चाइल्डहुड है, द स्ट्रक्चर ऑफ दैट रिसेप्टर इज डिफरेंट। तो वायरस जो है अंदर नहीं जा पा रहा था बच्चों के केस में, जो नया वाला वायरस आया शुरू में, अब रिसेप्टर अलग हो गया, अब जो है वायरस ही अलग हो गया, रूप बदल लिया, रिसेप्टर का जरूरत ही नहीं, तो बच्चों के अंदर भी जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको।
कहने का मतलब है कि हम पैथोजन के स्ट्रेटेजी को पता लगाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब हर वायरस का अपना अपना स्ट्रेटेजी है, सारे वायरसों का कोई एक जैसा स्ट्रेटेजी नहीं है, और इवन इन द कैटेगरी वायरसेस आरएनए वायरस का अलग स्ट्रेटेजी होगा, डीएनए वायरस का अलग स्ट्रेटेजी होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का अलग स्ट्रेटेजी, डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस का अलग स्ट्रेटेजी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का अलग स्ट्रेटेजी होगा, डबल सिंगल स्ट्रैंडेड आर, सब कहने का मतलब आरएस वायरस का। अब उसके अंदर भी डिवीजन होगा, आरएनए वायरस में भी एक एचआईवी टाइप का है, एक कोरोना टाइप का, दोनों का अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो इतना कॉम्प्लेक्स है, पैथोजन भी इतना इवॉल्व हो गया है कि हर के पास अपना एक बुद्धि है, तरीका है। तो उसके स्ट्रेटजी को आप पकड़ोगे पहले, तब आप रिसर्च कर सकते हो, आगे कुछ फॉर्मुलेट कर सकते हो, नया ड्रग या नया वैक्सीन, जब तक आप उसके स्ट्रेटजी को नहीं पकड़ोगे। तो ये चलते रह रहा है, अभी तक हम लोग एचआईवी और कैंसर से ही नहीं पार पाए थे, जो लाइलाज है आज के डेट में, एक कोरोना भी ऐड हो गया है, फिर 2-3 साल के बाद हो सकता है कोई मोरोना ऐड हो जाए, कोई टोरोना ऐड हो जाए, ये चलते रहेगा, समझे। और ये लड़ाई है, ये चल रहा है, और आपको इसी के बीच में रहना है, जब तक बच गए वही आपका इनाम है, जिस दिन नाम सत्य हो गया उस दिन हो गया, बस। Not to mention preparing us to respond quickly to new diseases or infectious agents that will undoubtedly arise in the future. बाद में भी नई नई बीमारियां आती रहेंगी, तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अच्छा से बहुत जितना इम्यूनोलॉजी को पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। ये पूरा महासागर समुंदर है, मोती ही मोती है, इसमें अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है, बहुत क्या, आप समझ लो 1% ही जाने हो, 99% और भी नई चीज नहीं पता है। तो अब इतने दिन में बीच में कोरोना लगभग लोगों को राहत मिल गई थी, कुछ काम करता है इस बीच में, नया नया हॉस्पिटल खड़ा कर लेता, मौका लगा था कि अब अगर आया तो अब छोड़ेंगे नहीं, वैक्सीन बहुत सारा जमा करके अपने पास स्टॉक रख लेता बढ़िया से कि अगर आया तो अपने, अब बाहर 90% वैक्सीन सब विदेश को बांट दिया, बहुत बड़ा दानवीर बने, अब देश में खत्म हो गया वैक्सीन। रिपीटेड मिस्टेक्स गवर्नमेंट डू अगेन एंड अगेन। फर्स्ट टाइम क्या किया, हाइड्रोक्लोरोक्वीन आया, उसमें ट्रम्प बोल दिया हाइड्रोक्लोरोक्वीन काम करता है, सब अफवाह में हाइड्रोक्लोरोक्वीन, अब दुनिया भर का दानवीर इंडिया ही है, ये हाइड्रोक्लोरिन हम बांटेंगे करने लगे मोदी जी, हाइड्रोक्लोरिन बांट दिए सबको, बाद में सब बोला हो हाइड्रोक्लोरिन का कोई फायदा नहीं, झूठो बोल दिया था ट्रम्प, सारा इनका दानवीरता निकल गया बिना मतलब का, पैसा देश का फालतू में खर्चा हुआ। अभी वैक्सीन हम बना लिए हैं, इफेक्टिव है, अपने लोगों को दे नहीं रहे, बच्चों को बड़ों को यहाँ बांटे, 40-45 साल को दे नहीं रहे, विदेश भेजेंगे पहले, लीजिए हो गया कल्याण। यस सर, ठीक है, अब आगे का क्लास हम लेंगे 12 बजे। ये ओवर टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन हम कवर कर दिए हैं। अब अगर इसके बाद आप लोग क्यूबी अपने से भी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन पढ़ाएंगे तो हम रुको अभी हम, क्योंकि तो हमको भी मजा आ रहा है, हम भी पता है एमएससी जब किए 2003 में, उसके बाद अभी पढ़ रहे हैं, नहीं पीएचडी में भी पढ़े थे, अभी पढ़ रहे हैं, तो बहुत कुछ भूल गए, नया नया चीज फिर से पता लग रहा है। अब हम कवर करेंगे फैगोसाइटोसिस एंड इन्फ्लामेशन, यूनिट 1 का बुलेट नंबर 2, और जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे, क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस इन्फ्लामेशन सब हल्का फल्का सब बता दिए। फिर उसके बाद यूनिट 3 इज योर ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी पढ़ा दिए हैं लगभग समझ लो, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे होता है बी सेल एक्टिवेशन। यहाँ देखो सिलेबस जो है पता नहीं कौन टाइप किया, बीटा सेल एक्टिवेशन लिख दिया, बीटा सेल क्या होता है, बी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है, एंड प्रोलिफरेशन कैसे होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स ये पढ़ेंगे हम लोग। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी,
फिर पढ़ेंगे, जिसमें टी सेल डेवलपमेंट एंड टी सेल एक्टिवेशन, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर किलर सेल के द्वारा जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ये जल्दी ये हो जाएगा अब, ठीक है? चलो 12 बजे या टाइम yes, sir. Yes, sir. 10 बज गया, 2 ही घंटा का समय है, 2 घंटा का। ऐसा करो 12 बजे छोड़ो, 2 बजे आ सकते हो। चलो 2 बजे हम लोग फेगोसाइटोसिस और इन्फ्लामेशन स्टार्ट करेंगे। चलो ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।